हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आज आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बताने वाला हूँ जो आने वाले जीएससीएल एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो मैं आज एमसीक्यू बताने वाला हूँ वो मैकेनिकल के एमसीक्यू है, जिसमें हमारा जो टॉपिक्स है आज का वो इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स है, जो मैकेनिकल इंजीनियर के लिए प्लांट अटेंडेंट की जो जीएससीएल में रिक्रूटमेंट आई है उसके साथ ही जेट को पीजीवीसीएल हो या जूनियर इंजीनियर की कोई रिक्रूटमेंट हो, वो सभी के लिए मैकेनिकल इंजीनियर्स हो तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंस रहने वाला है। तो दोस्तों, और भी आप अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी प्लेलिस्ट बनाए रखा है जो आने वाली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हमारे पहले एमसीक्यू से हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स क्या है, थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो हमें ए मिलेगा, स्टडी ऑफ द रिलेशन बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ पे लिखा है अदर फॉर्म, अदर फॉर्म्स लाइक किस तरह का होता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, वो सभी एनर्जी है उसके साथ रिलेशन में होती है हीट एनर्जी, जो हीट प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस इज कंसर्न्ड विद द रिलेशन बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल एनर्जी ईटीसी एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें ए मिलेगा। उसके साथ ही दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इनमें से थर्मोडायनेमिक्स की ब्रांच कौन सी है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, क्लासिकल है, केमिकल है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें डी मिलेगा, ऑल ऑफ द मेंशन, जो सभी यहाँ पे मेंशन की गई है वो सभी ब्रांच यहाँ पे हमारी है। यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो हमें ऑल ऑफ द मेंशन हुए ये वो मिलेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन उपयोगिता क्या है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें सी मिलता है, पावर प्लांट्स, पावर प्लांट्स में हम थर्मोडायनेमिक्स का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो उसका एक्सप्लेनेशन है वो आप देख सकते हैं, जो सेकंड लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, जो रेफ्रिजरेशन, डीप फ्रीजर्स, इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो सभी के लिए, तो ये सभी है हमारे पावर प्लांट में इंक्लूड हो गए, हीट पम्प्स है, ओ इसीलिए यहाँ पे हमारा सही आंसर हमें मिलेगा वो हमारा सी होगा, पावर प्लांट। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम के टाइप्स क्या है। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है वो हमें डी मिलेगा, ऑल ऑफ द मेंशन, यानी कि ऑल ऑफ द एबो, जिसमें ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम है, वो सभी यहाँ पे इंक्लूड हो गए, और उसके साथ ही आइसोलेटेड सिस्टम है और मैकेनिकली आइसोलेटेड सिस्टम ये भी इसमें इंक्लूड हो गए। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, इसके ओपन सिस्टम के अलावा आपको आइसोलेटेड सिस्टम और क्लोज सिस्टम के अलावा मैकेनिकल आइसोलेटेड सिस्टम भी दिया जाएगा, तो वो सभी हमारे मेंशन किए गए यहाँ पे थर्मोडायनेमिक सिस्टम के टाइप्स हैं। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द एब्सोल्यूट थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल, जो एब्सोल्यूट थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल की जो वैल्यू होती है वो क्या है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें बी मिलेगा, जीरो केल्विन। तो यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं दोस्तों, द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ए स्केल विथ जीरो एज एब्सोल्यूट जीरो इज नोन एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि जो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है उसको हम केल्विन या रैंकिंग के एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल में भी मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें बी मिलेगा, जीरो केल्विन। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज द कार्नोट थियरम, यहाँ पे जो कार्नोट थियरम है इनमें से किन से फॉलो करता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें डी मिलेगा, ऑल ऑफ द मेंशन, जिसमें हीट इंजन है, गैस टर्बाइन इंजन है, गैस कंप्रेसर है, वो सभी इसमें इंक्लूड हो गए। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर मिलेगा वो हमें डी मिलेगा, ऑल ऑफ द मेंशन। उसका जो आप एक्सप्लेनेशन भी दोस्तों रीड कर सकते हैं और दिया गया है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन देखे दोस्तों, इफ़ ए पिस्टन पर साइकिल विथ ए क्रॉस सेक्शनल साइज ऑफ 0.0 m² इज रेस्टिक्टेड रेस्टिंग ऑन द स्टॉप्स, वॉट शुड द वॉटर प्रेशर बी टू लिफ्ट द पिस्टन
विथ एन आउटसाइड प्रेशर ऑफ 100 kPa। तो यहाँ पे जो पिस्टन्स पर साइकिल है वो कितने kPa की होगी, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर मिलेगा वो हमें 198 kPa पास्कल जितनी मिलती है। तो यहाँ पे उसका इक्वेशन है दोस्तों, इस इक्वेशन को आपको याद रखना है, PW इज इक्वल टू PO प्लस MG डिवाइडेड बाय A। तो यहाँ पे हमारा आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका सही आंसर है वो हमें 198 kPa जितना मिलेगा। तो सही आंसर होगा हमारा सी। उसके बाद जो क्वेश्चन देखे दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड फिक्स्ड पॉइंट ऑफ थर्मोमीट्री। तो थर्मोमीट्री का जो स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट है वो कौन सा है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें बी मिलेगा, द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, जो हमारा सही आंसर है। और इसका एक्सप्लेनेशन भी दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, आफ्टर 1954 ओनली वन फिक्स पॉइंट हैव बीन यूज, जो 1954 से एक ही यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखे दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज चूजन एज द स्टैंडर्ड थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस। तो यहाँ पे जो थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस है वो कौन सा है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें सी मिलेगा, गैस। गैस है जो स्मॉलेस्ट वेरिएशन इज ऑब्जर्व एमोंग डिफरेंट गैस थर्मोमीटर्स। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो सी मिलेगा, गैस। उसके बाद जो दोस्तों क्वेश्चन देखे, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क का जो मैग्नीट्यूड है क्या है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें बी मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड पैरेलल टू द फोर्स। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स की जो प्रोडक्ट्स है और जो ट्रैवल कर रहे हैं वो डिस्टेंस है उसका फोर्स है, उससे हम मैकेनिकल वर्क बोलते हैं। तो इसका एक्सप्रेशन भी दोस्तों देखिए, द वर्क इज डन बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी मूविंग इन द फोर्सेस डायरेक्शन, जो फोर्स की डायरेक्शन में इस तरह से होता है वही हमें मैकेनिकल वर्क हम बोलते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे देखिए आप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थर्मोडाइनेमिक्स के बताए हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल से साथ जुड़े रहिए। और ऐसे ही इलेक्ट्रिकल के वीडियो भी आप देख सकते हैं, और कंप्यूटर नॉलेज के या जनरल नॉलेज के भी वीडियो इस चैनल पे आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।